तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि तुम लोग माइनक्राफ्ट पी में स्काई ब्लॉक कैसे खेल सकते हो। भाई स्टीव आंखें खोल दे, बहुत गंदा लग रहा है। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रहने दो। हाँ तो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे स्काई ब्लॉक पे हूँ। स्टीव एक बार दोबारा से आंखें बंद करियो। मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। हाँ तो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे स्काई ब्लॉक के ऊपर खड़ा हूँ। और चलो गाइस यार, जल्दी से मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में अपना स्विच कर लेता हूँ और तुम लोग को सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक चेस्ट लगी हुई है, चेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कुछ, वो भी पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गाइस, द स्काई इज नॉट द लिमिट, ऑलवेज थिंक बिगर। सो बहुत ज़्यादा तगड़े वाला क्वेट लिख रखा है यहाँ पे गाइस। मेरे को भी एक क्वेट याद आया, तो साइन बोर्ड को तोड़ के मैं अपना क्वेट यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से। गाइस मैंने यहाँ पे साइन बोर्ड तोड़ लिया और यहाँ पे क्वेट लिखते हैं जल्दी से। क्वेट है गाइस सब्सक्राइब। हाँ गाइस सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? चलो गाइस यार, अब चेस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है। चेस्ट के अंदर है गाइस आइस है, लावा बकेट है और टर्टल एग्स हैं और सी पिकल है और एक बुक है। बुक में मेरे ख्याल से कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दी होगी इस मॉड की। सो यहाँ पे गाइस बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, इसको मैं फेंकने वाला हूँ। इसको गाइस मैंने बुक को फेंक दिया और यहाँ पर टर्टल एग्स जो है उनको प्लेस कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता इनका क्या करूँ मैं। और उसके बाद गाइस होता है मेन स्टेप होता है कॉबल स्टोन जनरेटर बनाना। तो चलो जल्दी से ट्राई करते हैं कॉबल स्टोन जनरेटर बनाने का। सो यहाँ पे गाइस लावा वावा मैंने सब कुछ डाल दिया और गाइस मेरा कॉबल स्टोन जनरेटर जो है बन चुका है। सो और गाइस मैं चाहता था कि तुम लोग को पूरी इसमें जितने भी आसपास के आइलैंड है सारे तुम लोग को दिखाऊं, बट गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे क्रिएटिव में नहीं जा सकते इस मोड के अंदर। हमें ये क्रिएटिव मोड यूज़ करने ही नहीं देता और ये बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है भाई। हमारी मर्जी, हम क्रिएटिव मोड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये मोड हमें क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं करने देता है। तो चलो गाइज यार, अब मैं तुम लोग को बाकी के आइलैंड दिखा देता हूँ जो कि आसपास हैं। मतलब यहीं से तुम लोग को दिखाने वाला हूँ, पूरा मैं उधर जाके तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो चलो गाइस यार, अब मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ आसपास के आइलैंड्स यहीं से। सो सबसे पहले गाइस आता है हमारा यहाँ पे जंगल वुड का आइलैंड, एकेशिया का आइलैंड और वहाँ पे देख सकते हो गाइस तुम लोग बर्च का आइलैंड था और सामने स्प्रूस का आइलैंड। तो चलो गाइस यार, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इस मॉड को तुम लोग को डाउनलोड कैसे करना है। अगर तुम लोग इस मॉड से सेटिस्फाई हो चुके हो तो वीडियो को छोड़ के अभी मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए गाइस अपने गूगल क्रोम पे आके तुम लोग को सर्च करना है skyblockfmcpe.com। यहाँ पे भी कहीं पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ से ये चीज़ सर्च कर लेना अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे गाइस skyblockfmcpe.com सर्च कर लेना और यहाँ पे गाइस जो तुम्हारे सामने पहली साइट आएगी ये वाली स्काई ब्लॉक आइलैंड, इसी पे तुम लोग को क्लिक करना है। मैंने गलती से होम पेज पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे इस पे तुम लोग को क्लिक करना और तुम्हारी यहाँ पे ये साइट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे गाइस ये इधर लिखा हुआ है, इसको देख के घबराना मत 1.16.200 को। ये गाइस 1.17 में भी एकदम अच्छे से वर्क करता है क्योंकि मैं इसको 1.17 में ये अभी खेल रहा था। तो चलो गाइस यार, अब इसको तुम लोग को क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ को स्क्रोल करना है। जैसे गाइस तुम लोग नीचे स्क्रोल करोगे, थोड़ा और नीचे स्क्रोल करोगे तो तुम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। और जैसे गाइस तुम लोग डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तुम्हारा ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद गाइस डाउनलोड के फोल्डर में जाना, तुम लोग को ये दिखेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारी यहाँ पे माइनक्राफ्ट जो है ओपन हो जाएगी। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे भी यहाँ पे माइनक्राफ्ट जो है ओपन हो चुकी है। उसके बाद गाइस तुम्हारे यहाँ पे लिखा आएगा लेवल इम्पोर्ट स्टार्टेड और उसके बाद गाइस लिखा आएगा लेवल इम्पोर्ट फिनिश्ड सक्सेसफुली। और जैसा कि गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं भी माइनक्राफ्ट वर्जन 1.17 में ही खेल रहा हूँ और ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद गाइस तुम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है और तुम्हारा यहाँ पे अपने आप एक वर्ल्ड बन जाएगा। तो चलो गाइस यार, बस मैंने तुम लोग को बता दिया कि तुम लोग स्काई ब्लॉक माइनक्राफ्ट पीई में कैसे खेल सकते हो। तो बस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस चैनल पहली बार आया और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आई है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को ऑन करना क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बाय बाय।